देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम आपसे कह देते पापा, आप ना दूध पिया पिया के अपना आस्तीन में सांप पाल लहर बनी, एगो ऊपर चल गए, एगो एजा खड़ा भी आई लड़की। बस इनफ सर, और ना हम लेकिन अपना आपके और संभाल ना सकें सर, और हम अपना आपके संभाल ना सकें। शाबाश सिद्धार्थ बेटा, अपना माई के बारे में कुछ कहला से तो जो अभियो विरोध करेला, ये जान के बड़ा खुशी भाई। आप असली विषय पर जोर दे के बात करी पापा जी। हमरा के लगा था कि हम फिर से गलत वक्त पे आ गए नहीं। आंटी। हेलो सेठ, कैसन बड़ा तू? हम ठीक बनी आंटी, आप कैसन बनी? सो गुड टू सी यू। ग्रेट, कहता नहीं कि आप अंदर आई ना, आके थोड़ा फ्रेश होली। ना ना, हम जस्ट बोले आई लानी कि हम घर आ गई नहीं। हाँ कोसा, आज तू ऑफिस से सीधा घर आ जाइया, और आप सब लोगन के थैंक्स हमार बेटी के ध्यान रखे के खाते। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। ना आंटी, ये नहीं कह सकत, आप इतना जर्नी करके आई बनी, थोड़ा सा बैठ के आराम से चाय। बुआ, उनकरा की काहे तकलीफ देता सिर? वैसे भी उनकरा साथ हमार फोन पे एको थोड़ा सा बात हो गई। वो सोचे थे कि हम अब वो बात के लेके बैठल वाली, लेकिन हम पुराना बात ना याद रखेंगे। आप अगर याद भी रखती तो हमरा के कोनो फर्क ना पड़त। काहे कि हमरा के लगत है उ दिन हम जे कुछ भी बोलले रहनी वो ठीक है बोलले रहनी, और ओकरा खातिर हम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं। कोसा, तू अपन माँ के लेके अंदर जावा, हम इतना बदतमीज नहीं खी कि मेहमान के असम्मान करब। आप अंदर जाएं, आप चाहता नहीं तो बहुत अच्छा वकील बन सके नहीं। आप जे कुछ भी बोले रहनी, एक कप चाय तो हम पी के जाए। थैंक यू। मिसेस रॉय, आई शो, एक्सक्यूज मी, मिश्री चला हमारे साथ, ये लोगों के हाथे नाश्ता भी बनावे की पड़ी। आवा तो अच्छा काम हो रहा है आज के दिन, तो शादी घर से चल जाई आज के दिन। रिंकी, कौन बोलत बारे तू धीरे बोला, अगर भैया सुन लिए ना तो अभी तक चिल्लाई लगी है। बुआ, कहत रहनी के आंटी के कॉफी बहुत अच्छा लगेला और कुछ ब्रेकफास्ट हुई तो दे दिया। हाँ सुननी हम दे देव, चिंता मत करा तू जा। का भाई कुछ बोले के बा? असल में बुआ, हमरा इतना गुस्सा चिल्ला मिली अच्छा ना लगला, वही सब बात ना बढ़ेनी है, लेकिन हमरा एगो बात कहल बहुत उचित बा। पार्वती आंटी हमरा कभी भी इतना मतलब ही नहीं लगल बुआ, वो कभी भी फायदा नहीं की उठा सकत। वही से दादाजी के बड़का लड़का के हमार ओपिनियन मान लेहल ठीक बात नहीं के बुआ। तू का ये बात मिश्री के ध्यान में रखे बोला? अच्छा बुआ जी, अभी पार्वती आंटी कहाँ से आ गई लिए में? ना मतलब कि मौका के तलाश में श्राप के जैसन ये बात तब पापा मिश्री के बोले रहले ना। रिंकी, हम उहे बात कहते नहीं,
ये हमार मत ना, हम इसे ना सोचे नी। हम कितना बार समझाई तनी के रिंकी, हर बात में भैया के गलती निकालल तहारे को बहुत गंदा आदत हो गई बा पहले से। आपके बता देने पापा, आप ना दूध पिया पिया कास्ते में सांप पाल लहर बनी है, ऊपर चल गए लेगो जाए खड़ा भी आई लड़की। मतलब कि मौका के तलाश में शाप के जैसन, ये बात तब पापा मिश्री के बोले रहले ना। ये हमार मत ना, हम इसे ना सोचे नहीं। हम कितना बार समझाई तनी के, अगर नेखे सोचे ले और अगर हमार बारे में इतना बुरा नेखे सोचे ले तो फिर काहे ना बता देना जी सब बात। गोपाल जी, हमका काल शाप जैसा नहीं, ये घर में तो सब लोग हमारे अपन जैसा नहीं है, तो फिर हम काहे बुरा सोचो। बड़का पापा ऐसा सोचे ले हमरा बहन, गुस्सा वाला साहब साहब को चुपचाप सुनत रह ले। काहे गोपाल जी, काहे मिस्टर के इतना अपमान से है के पड़ रहल बा। हम तो बोल ही सकत रहनी कि हम इतना अपमान नहीं के सह सकत है, लेकिन इससे दादाजी के अपमान हो जाए ना, यही खातिर हम कुछ नहीं के करनी। लेकिन मिश्री देख ली सबके, मिश्री कबो भी क्यों के बुरा नहीं के चाहिए, मिश्री मिश्री हर वक्त सबके भला ही चाहिए। ये कैसे करके सबके भला हो जाए, ये खाली मिश्री सबके बारे में चाहत रहेगी। ये सब बात लोग बहुत जल्दी समझ जाई है, ठीक बा? तो फिर बाकी लोगों से भी ज्यादा भैया की बात समझे के पड़ी जल्दी। तू अपन गोपाल जी के बोला कि बहुत जल्दी गोपाल तो के इन्हें हेल्प करी है। देखी मिश्री, खुशादी आज ही घर छोड़ के जल्दी चल जाई है, एक मतलब ई ना बाकी भैया की बहुत ही जल्दी छोड़ दी है। ई का बात भाई रिंकी, भैया के छोड़ दी का क्या मतलब बा? कोशादी तब भैया के दोस्त बाड़ी और भैया भी उनका के अपन दोस्त है माने ले, हमके तो इहे लागत बा। हाँ पूजा, भैया तो इसने सोचे ले, लेकिन कोशादी तो भैया के सिर्फ भाई ही नेखे माने ली ना, और ई बात तो मिश्री की भी समझे के पड़ी। देखा कोसा दी ना, बस भैया के नजर में हम सबके लेके एगो गलत फैमिली बना रहल बाड़ी हो, ई बात तू हो जान लो ना। और वैसे भी पापा तई शादी के नेखे माने लेना, और ऊपर से तोशा दी और रेवती आंटी मिलके पिताजी के उल्टा पुल्टा बोलत रहेली, हमें बात नेखे जाना थी पूजा कि कैसे पापा के मन के सारा गलत फैमिली चेंज करब हम, और कैसे भैया मिश्री के अपन पत्नी मान लिए कबो जाके। बिना बात के दीदी के दोष देवे के का मतलब बा रिंकी दीदी? गोपाल जी तो मिश्री के धक्का मार के वहाँ पे भेज दे रहे ना, और मिश्री कंट्रोल नहीं की कर पाई और टकरा गए रही वहाँ। अरे बाबा, सुबह से ही झगड़ा चल रहा है भाई घर में, अब तो मिश्री भी रो रहा बिया। हम तो कब से सोच रहल रहनी एगो अच्छा सा फोटो खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर। अब पोस्ट तू जानत बाड़ो हमार फोटो खातिर कितना लोग वेट करता। तू का आंख दिखात बाड़ू, ये एगो सीरियस टॉपिक पर रिंकी, हमके फोटो पोस्ट करे के ही पड़ी। अच्छा बाबा ठीक बा, अब हम रोए धोए के नेखे करब। आज हमने ई सोचब कि आशीर्वाद के दिन हम लोग काका करब, ठीक बा ना? एक मिनट ई देखा है ने रिंकी दीदी, पूजा दीदी का करे खातिर गेल वाड़ी? मिश्री अभी तो क्या अभी सोशल मीडिया के बारे में समझावे के पड़ी, हम तो खत्म हो जाए। अच्छा देखा पूजा के ना बहुत सारा दोस्त बा यहाँ, जकरा खातिर फोटोज लेवेली, वीडियोस लेवेली और रील्स बनावेली,
और फिर ओकरा अपलोड कर देवे ली, जिससे लोग समझे ले कि पूजा की जिंदगी में काका हो रल बा भी। समझ गए लो? हाँ समझ गई नी। अच्छा अगर आज शाम की हमने आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ करी तो पूजा दीदी आज बहुत सारा फोटो खींची है और उका कल जला वीडियो और वीडियो भी बना पाई ली तो बहुत सारा लोग देख पाई है ना, तो फिर हम अब भी एगो प्लान करे की कोशिश करे थे। लेकिन हर वक्त किसी और के मुंह पे हंसी लावे के कोशिश करत रहेली। और ये कोशिश क्यों के दिखत कैसे निखे बाप? गोपाल जी आप अपन मिश्री के थोड़ा हेल्प करा। बहुत ज्यादा वेट करवाई नहीं लगा था। ना 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 आई 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 असल में दरकार तो हमरा खुद के बाटे। आई बैठी हाँ। ना एको कॉफी बोल दी। ना ना प्लीज हम खाली पानी पिया। थैंक यू। एक्चुअली आज हमरा के एको काम बा फिर कहूं। आप हमरा का लज्जित कर रहल बानी अभी तो। शर्मिंदा होई के कोनो बात ना, सिद्ध तो हमारा बेटा बा ना। सुनी समरेश बाबू आज एको सीनियर लॉयर के साथ मिश्री और सिद के कैसे डिवोर्स हो सकेला ई बारे में बात होत रहे। मिश्री के अगर कोनो गलती साबित हो जाए तो डिवोर्स इजी हो जाए, समझे तनी? मतलब चोरी, अब मानसिक कमजोरी, लूज करेक्टर, आप समझे तनी समरेश बाबू? सिद के ई सब दिखावे के पड़े। ई सब आप का कहत नहीं मिसेज रॉय, माने हमार फैमिली के केहू भी तो आपसे अनजाना नहीं खे। देखिए ऐसा एलिगेशन कर ले हो जाओ तो तब तक इतना लोग विरोध करी कि पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ा जाए। हाँ जाने तनी एक दिन कोसा हमरा की सब बतले सा जे करे के बाद सिट के जल्दी जल्दी करे के पड़ी। फैमिली के प्रेशर में पड़कर वो मिश्री के मान भी सकेला। वैसे भी आपके भाई के बेटी की शादी में सिट के ई सब तो नाटक करे के ही पड़ी, और नाटक करत करत ये बात सच भी हो सकेला। यू नेवर नो समरेश बाबू। अभी तो चाल चला। रुका रिंकी, तू हम के अच्छा से फंसा देले बड़ू। हमरा के पहले दिमाग लगा के ठीक से समझे दा। हम अभी हलवा बना रहल बानी, क्यों बिना खाए ऊपर मत चल जाए। के दिखत तमाम बोर होत बानी, तू लोग इतना बोरिंग गेम काहे खेलत बानी बतावा। अरे बाबा हो गई, सब खराब हो गई, पूरा दिमाग के दही कर देलू। कुछ भी ना कुछ भी, तू तो हार रहल बानी साफ दिखता। अरे बाप रे, तू ही समझ भी गई लू? तू कैसे समझ लू बोला था? एरिंग की हमरा बुझा था कि रोहित ना एकरा के थोड़ा थोड़ा करके दिमाग घेता। अरे 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 छोड़। अरे रिंकी हम सच में इतना बेवकूफ बानी? ना 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 बिल्कुल भी ना, तू कैसे एडिट हो जेबू? अरे छोटका भैया आप ये बात जानबूझ के कर रहे ना, पूजा के साथ मजाक कर रहे। आप चाहते हैं कि हमारा सारा कंसंट्रेशन खराब हो जाए और आप ये गेम आसानी से जीत जाए, ठीक बा ना? एकदम ऐसे नहीं होने वाला बा। सुन ले तू, हम सुना ये बोरिंग गेम ना तेरे को भी बंद कर रहे हैं। ए मिश्री हमने कुछ प्लान कर लिया रहती ना। हट रे भगवान, तू हंस रहा बड़ा। रिंकी लेकिन हमें हमारे कोनो दोस्त नहीं खे, पूजा ही तारा के जीते ना देला सिया। पूजा हमें गेम जीते तरह नहीं और तू ही बिगाड़ दे लू। हाँ लेकिन हमके सब याद हम फिर से सजावत है। अरे ना 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 याद पक्का होला, हमरा कुछ याद नहीं खे, शुरू से शुरू करा। पूरा शुरू करा भी। अच्छा अच्छा ठीक बा हम तो पूरा ही खेलबा। आप लोग कितना झगड़ा करत थे हमेशा, हलवा खा के देखी कैसे भइल बा। हम दादाजी खातिर थोड़ा सा निकाल के आइल है यहाँ। और पूजा दीदी बिल्कुल सही कहले बाड़ी, अरे आज तो हमने के दिन आशीर्वाद के प्लान करे के रहे ना, और अभी तक घर पे बा भी ना तो हम लोग प्लान भी कर सके थे ना अच्छा से। हाँ लेकिन हलवा एकदम मस्त भइल बा, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। ए पूजा तू वहाँ बैठ के का करत रहो, यहाँ का हलवा खा ना खाइबू ना का?
ना मतलब हम ना सोचत रहने की मतलब ये हलवा में बहुत कैलोरीज होगी ना, और अभी कुछ दिन में हमार शादी होके वाला बा, ये खा के हम मोट हो जाए तो फोटो बिल्कुल अच्छा ना आई ना। रिंकी दीदी पूजा दीदी का बोल रहल बाड़ी का? वो बोल रहल बाड़ी ये खाए से वो मोटी हो जाए, और मोटी होए के बाद फोटो अच्छा नहीं खियाई, तो सोच रहल बाड़ी की खाए की ना। लेकिन एको बात बताई मिश्री, हलवा बहुत ही अच्छा बनल बा, सच कह रहल बानी। तू खेलू की ना? ना ना, हम नहीं खेले हैं, हम बस चक्के देखले हैं। अच्छा, आशीर्वाद की प्लान करे की बाकी ना? हाँ, अवश्य। हाँ। ए छोटे भैया, रुका रुका रुका, एक का करत बाड़ी तू, बताओ का करत? अरे अभी रिंकी बोला से कि ई खैला से तू मोटा हो जाइबू, एही से हम सारा भार अपना ऊपर ले लेतनी। अरे नाना सीरियल वाले भैया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं खेले बानी आप। अरे ओ पूजा दीदी, पूजा दीदी चला। मिसेज रॉय यही सब चिंता में तो हम बेचैन हो गए बानी। कहां सोचते रहे कि कोषागार नजदीक में रही तो सिद्धार्थ ठीक से रह सकेला, किंतु सरस्वती पूजा के दिन ऐसे ने वो घटना घट गई कि जय दी जौन होके रहे तो उनता होइए गई। अच्छा समरेश बाबू, आज सवेरे हम आपके घर में ई बात सुनने रानी कि आपके बाबा बोलत रानी मिश्री बिजनेस ज्वाइन करी। हाँ, लेकिन जबले हम जिंदा बने तबले ई होके ना दे आप। ना ना होई दी, होई दी समरेश बाबू, मतलब देखिए बिजनेस तो आप संभाल लेनी, मिश्री डायरेक्टली आपके अंडर में रही, ये कारण हमार काम आसानी से हो जाए। मतलब अगर हम मिश्री के फसा ले वतनी तो हमनी के काम बन जाए, और अगर ये हो गई तो ठीक हो जाए। अच्छा आशीर्वाद में गाना नाचे की तो हुई ना? हुई। हे, तब तो हमके ऑरेंज साड़ी खरीदे के पड़ी, ऑरेंज साड़ी में फोटो बहुत अच्छा आवेला। अच्छा रिंकी बोलत बनी सुना ना, तू लोग ना अलग अलग कलर के साड़ी पहनगा, या तो एक ही रंग के अलग अलग शेड पहन सकेलू। ए पूजा, पापा के का लॉटरी लागल बका, बताओ कब लागल? है ना, अगर नहीं लागल तो इतना जामा कपड़ा किनल तो संभव नहीं है। हमनी के आदित्य अग्रवाल ना है सन, और रोहित भी अग्रवाल ना है। अरे अरे मार मत, अरे 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 रुका आप लोग, हम एगो बात कही थी सजय दीदी के बाद हम लोग बाद में करते हैं। हम लोग ये प्लान करते हैं कि आशीर्वाद में कौन सा नाच गाना हमने के करब। अच्छा पूजा दीदी ही आवा और यहाँ बैठी आप। हाँ ठीक बा, तो हम एगो गाना चलाई ना, मतलब सिचुएशन समझ के गाना चलाओ एक बड़ी ना, ठीक बा ना चलाई। मिश्री तो तू अपन डांस का प्रैक्टिस शुरू कर दा। हाँ ना हुई मतलब काहे ना हुई, अभी हम इतना बढ़िया गाना चला नहीं। ये तो मेहंदी के गाना बा, अगर मेहंदी के गाना आशीर्वाद में बजे तो हमार मेहंदी में का गाना बजे? हम लेकिन बोलत बानी हमार मेहंदी होई, सिर्फ भैया चाहे जय भी बोले। हे भगवान, पूजा बोलत है कि अब तक तो और आशीर्वाद भी नहीं भइल बा, और तू मेहंदी तक भी पहुंच गइल बाड़ू, और वैसे भी गाना कोनो ओकेजन से थोड़े ही ना बजेरा, बतावा। अच्छा सुना, अगर आशीर्वाद में ई गाना नहीं हुई तो कैसन गाना हुई? अच्छा छोटका भैया आप ही गाना बजाई, और तू चुप कर यहाँ पे बैठा 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 बैठा। मिश्री तू रेडी बाड़ू? हाँ, वो तो हमेशा मिश्री डांस करे खाते रेडी और स्टेडी रहेली।
घर पे क्यों नहीं खे? ना ना, मतलब असल में सब कोई राजीव भैया के घर गए लोग बात करे क, 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 का है बोला ना, घर में कोई रही तो हम बोलते थे कि खाना भेज देवे खातिर। एनीवे छोड़ा, हम ऑर्डर कर लेते नहीं। उफ, हे भगवान, हमके तो बहुत डर ही लगल रहे। हमके लगल फिर से हमके नॉनसेंस बोल दिए। नॉनसेंस। अच्छा रिंकी दीदी, ओ का बोलत रहले खाना खाए खातिर? ये बारे में तुके इतना सोचे की जरूरत नहीं थी बामिश्री। बड़का भैया तुके बोले रहला ना, उनकर कोनो भी काम नहीं करे के चाहे तो के। ए, तू कहत का बड़ू रिंकी? भैया तक कितनो भूख लग जाला, वो कहेला ना खाना खाएला, देखो कैसे बोल के गेला हन। ओ काहे बोललस तो के नहीं समझ में आयल का? मिश्री रहली ए खातिर बोललस, फिर भी बड़का भैया मिश्री के डायरेक्टली नहीं बोल पाइलस। अगर वो ऐसा बोल दई तो हमनी के समझ में आ जाए कि वो पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले बा। कैसे खाना बना दी मिश्री उनकर खातिर? के बाड़ी हो बड़का भैया के? ओ रिंकी दीदी, गुस्सा मत करी ना। हमार माता बोले ली कि मिश्री अगर केहू के बहुते जोर से भूख लागल बा तो सब कुछ देवे के चाहिए तो के। अच्छा वो गुस्सा वाला साहब तो हलवा सब तो नहीं खावेला ना, का खाइए वो गुस्सा वाला साहब? बना देते हैं। हम बताएं सैंडविच। हम ना भैया के बहुत बार ऑर्डर करके खाते देख ले बानी, लेकिन वो तो व्हाइट ब्रेड के ना खाए ले, ब्राउन ब्रेड के है। हाँ, हम अभी जाके दौड़ के ब्राउन ब्रेड लेके आओता नहीं। तू लोग जितना सौसा प्याज रेडी करके कर लो, अब भी आओता नहीं। रुका भैया, बहुत आश्चर्य की बात बा। कली तो कहत रहना कि उनकर ही फैमिली की वजह से यहाँ पर दम घुट रहल बा, और आज देखी वह फैमिली उनकर खाना के खातिर यहाँ वहाँ ढूंढ रहल बा। चुप करे ना रिंकी, भैया सुन ले है। ए मिश्री, तो हमारे साथ आवे था? आवा 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 आवा। अच्छा सुना, सैंडविच बनावे खातिर सबसे पहले टमाटर और प्याज के गोल गोल काटे के पड़ी, ठीक है? और का लगी? ओ चीज लगी। ए रिंकी, चीज कहाँ बा? का भैल जा? ए खातिर भैया कुछ भी नहीं सीखे ले। ये रखा। अरे बाप रे, हाय लपूजा, ब्राउन ब्रेड। छोटका भैया, हाँ, ऐसे भाग भाग के आप गनी ब्राउन ब्रेड लेवे खातिर एकर का जरूरत रहे? कोनो फायदा तो नहीं हुई और ना ही समझ में आई, और फिर देखी बिना बात के वो आप पर ही गुस्सा करी है। छोड़ ना, का हो गई, भैया ही है वो, थोड़ा सा खिसिया जालन। अब मिले नहीं हम ये सामने, तू बेचारी डरा जालू, आओ बेचारी रो देवे ले। सुनो, कड़वा करेला के मिठाई के गुण हमनी के जाके दिखा देवे के पड़ी। कोसा अभी घर में नहीं खे, ये अच्छा मौका हता नहीं समझा? इदे दे। हाँ। मिश्री? हाँ? सुनो, कड़वा करेला थोड़ा देर बाद स्टडी में आयन, तू जाके खाना देके आ जाइयो। अच्छा, ना 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 ना। अरे हम, अरे 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 मिश्री, बात सुनो हमारा। बाप रे बाप, मिश्री तू इतना दौड़ाल मत करा, तू सुनो मिश्री, तू ये जाके बड़का भैया के खाना दे के आई, वो समझ लू तू, यही से तू ये जाके खाना देबू और कोई ना दी। गोपाल, हेल्प, गोपाल, हेल्प, गोपाल। बोला था कि सीरियल वाला भैया ब्रेड लेके आए रहले और पूजा दीदी सॉस लेके ब्रेड के बनावत रहली, जब आपके भूख लग जाए तब आप ही खा सकते हैं, यहाँ रखते हैं।
जा। सैंडी, थैंक यू फॉर द सैंडविच। एक मिनट भैया, इस सैंडविच हमनी के ना मिश्री बने ले भैया। तहरा ओकरा हाथ के छुअल खाए में दिक्कत नहीं हूँ। माने ना गुस्सा मत करिए, हम ऐसे कहत नहीं कहे कि रोहित के घर से अहिला के बाद तू जे लेखा मिश्री के हाथ के खाना तू अवॉइड करता रह और उ तरह घर में झाड़ू मारे ढुकल लिए तो तू खिसिया गई ओकरा ऊपर, वही से हम तरह के कह देनी और का। असल में इस सब भैला के बावजूद भी वो लड़की तरह ला इस सब बना दिले सी, वही से कुछ नहीं है तरह से, तरह खाए में दिक्कत नहीं खेनू। देख सैंडी, हमारा लगा था वो लड़की के संगे मिल के तहनियों के ड्रामा बाज होगल बड़ा दो। सीधा सीधा बोला कि भैया तू इतना चिल्ला मिली करेला एकरा बावजूद भी मिश्री तरह ला खाना बना दे ले भैया, हम तो खाना बनाए के ना कहनिया, हम तो खाना ऑर्डर करत रहनिया। एनीवे तू आ पूजा इतना कष्ट करके हमरा खातिर खाना अरेंज कर रहा लो, एकरा खातिर थैंक यू वंस अगेन। का हो गेल ना, मिश्री के बारे में सब कुछ कह देला ना। सुना छोटका भैया, बड़का भैया ना इस सब बात से निखे समझे, बड़का भैया सिर्फ दवा से ही समझे ले, यही खातिर मिश्री के कहते हैं कि तू भाई पे अपन हक दिखावा, लेकिन मिश्री के तो कुछ भी समझ में नहीं आवेला ना। रहे दना रिंकी दीदी, एगो भूखा इंसान के खाना मिल गयी ना, यही से हम बहुत खुश हैं। हमके तक खाना देवे से इंसान के बहुत ही खुशी हो खेला ना। केहू का बोलेला मिश्री के बारे में हमको कोनो फर्क नहीं पड़ेला। और तू का आशा करता रहा मोदक फैमिली से, बोला था तू? पापा जी तारा से भी बेसी भरोसा रखला हन मिश्री के ऊपर, एकरा बावजूद भी तू यहाँ रह बा। वो बिजनेस तू शुरू कर ले रहा सो, एकरा बावजूद भी उनका तारा ऊपर एकदम भरोसा नहीं किया। छोड़ दा अब तू बिजनेस, समझे दा उगनी के। बहुत बार ऐसा करे के कोशिश कैली फूफा जी, पर ना कर पेली। बार बार मन होला माई हमके अनाथ आश्रम से काहे घर में लेके आ गेले, और दादाजी मिश्री के आवे से दादाजी अब पहले जैसे रह लेना। अच्छा हम चलत नहीं समरेश बाबू। हाँ, नमस्कार। बड़का भैया, आप यहाँ मने यह तो हम पूछे के चाहता नहीं, कल सिद्धेश्वर बाबू के प्रतिष्ठा दिवस हटे, मम्मी पापा अपना हाथ से दुकान के कर्मचारी लोग के कपड़ा देवेलन, आज सोम तोहरा साथ का करता प्रतिम? प्रतिम सोम के कह दा कि या तो काम छोड़ देवे या दिल लगा के मन से काम करे, हम इस सब बर्दाश्त ना कर सकीला। अब हमके कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही के पड़ी। काल हम काम पर जाए ना फूफा जी, हमू देखत रही कि कल का होला हमरा ना रहला पर।
छोटी भाभी, पूजा, रिंकी, कहाँ पड़े सब लोग? आज सबके मिलके काम करी के पड़ी। लक्ष्मी की माँ भी नहीं थी। अरे मिश्री कहाँ गई? मिश्री, ओ बुआ जी, आप अपना सब पूजा घर में चली। देखी दादाजी दादी माँ सब गुरुदेव के आश्रम में आज गए बड़े ना, और चाचा जी दुकान गए नहीं। लेकिन दीदी कहाँ पर है? नंदरी आई नहीं थी? आ गई नी, आ गई नी। मिश्री, मोनोहारा कहाँ बाप? आज के दिन दादाजी मोनोहारा ही भगवान के चढ़ावे ले, पता बना। हारे मिश्री, पिताजी जिस सिद्धेश्वर मोदक के नाम से छोटा सा दुकान शुरू कर ले रहे ना, वो दुकान पर मनोहारी सबसे ज्यादा बिकेला। आज के दिन तुम्हार दादाजी राधा किशन के मनोहार चढ़ावे ले और सबके नया कपड़ा देवे ले। आज के दिन पिताजी के खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बा। जानत है बुआ जी, दादाजी हमकी बोल के गेल रहले कि मनोहरा बना के रखे खातिर। अच्छा, पहले दादाजी अपना हाथ से मनोहरा बनावत रहले का? हाँ रे, आज के दिन पिताजी रात के सब कुछ बना के रखे ले। बुआ जी बोली का करे की बा। मिश्री, तू तो सब कुछ तैयार करके रख ले बाड़ू। अरे ना, अभी तो बहुत सारा काम बाकी बा। बुआ जी बोलत है कि आपन गोपाल जी के हम आपन घर से लेके आयल रहनी यहाँ पर, आपके बुरा तो नहीं खिला गलना? अरे पागल, बुरा काहे लगी केहू के? ये तो बहुत अच्छा काम बाड़ा। तोहर गोपाल भी रही है और हमार राधा कृष्ण भी रही है। आज हम सोचत रहनी कि घर वालन के खातिर आज हम गोपाल जी से बहुत सारा प्रार्थना करब। आज के दिन ता सब लोगन के खातिर बहुत ही अच्छा दिन बना। दादाजी छोटा सा दुकान शुरू के ले रहे पहले, और आज के दिन देखा कितना बड़ बिजनेस बना। अच्छा ता अब हमनी के को सेल्फी लेवल चाहिए? अरे हमके तो अपलोड करे के पड़ी। हैशटैग पूजा टाइम। केहू चाहे कुछ भी कहे, हमनी के पूजा रानी ई काम जरूर करिए। लेकिन सुनला, हमार सासू माँ के सामने बार बार फोटो लेबे के बा, वीडियो बनाए के बा या सेल्फी लेबे के बा, ऐसन करी हा मत, बहुत गुस्सा हो जाए। लेकिन बोली है छोटी बहू, तहारी सब आदत बिल्कुल ठीक नहीं खे, तहरा के अपन चाल चलन बदले के पड़ी, समझ लू? ना ना दीदी, आप ऐसा कहे कारल बानी पूजा दीदी के? हेड दीदी तक कितना अच्छा इंसान है ना, हमके नहीं लगत बाकी इंद्रा के बदले खातिर बोली। तो सही कहत बाड़ो मिश्री, अगर हम सेल्फी ना ले पाए ना, हम तो मर ही जाए मिश्री। और अगर केहू हमके एक खातिर डांटे ना, तो हम तो रो रो के पागल हो जाए। ना ना पूजा दीदी, आपके केहू भी नहीं डटी है, नेका जमाए बाबू है ना, तो के डांटे ही नहीं दिए मिश्री। मिश्री, हमार ना तोरा से को रिक्वेस्ट बा, आज ना वुमेन्स डे बातों के पता बा, मतलब नारी दिवस, आज के दिन हो खेला औरत लोगन के। यही खातिर हम चाहत हैं कि आज राधा माँ के पूजा हमनी में से कहीं एक औरत ही करी, ठीक बा? आप बुआ जी, आप जानत ही मिश्री ना गोपाल के सामने बहुत अच्छा गाना गावत रहली, मिश्री उहे गाना गावा ना? हाँ, हो जाए मिश्री। एक पूजा बोलत पानी से स्टडी में बाड़े ना, देखा ना? गला बात है, भगवान जी सब व्यवस्था करके ही भेजनी है, सिर्फ हमें उनका इशारा ना समझ पाई। और ये खातिर सिद्धार्थ भी ना समझ पाईला है। इका सोम भैया, तू अभी घर पर? आज तो बिजनेस के कोई इम्पोर्टेंट दिन है। वैसे कुछ ना सिद्धार्थ, सीरियस कुछ भइल बा?
ना ऐसा कुछ ना। रोज रोज हम सब के सामने झुकत रही, कब तक चली। तहार बाबूजी तो मानबे ना कले कि हमारे व्यवसाय में कोनो कंट्रीब्यूशन बाबी। हम तो दादाजी के खातिर काज कर ही लेना और दादा ही हमरा पे भरोसा करे लेना। ई लेकिन सच बात ना है सुन भैया, दादाजी इतना जल्दी कोई के ऊपर से विश्वास ना हटावे नी। तू जानता रहा हम वो जानता नहीं, बाकी ना रुक रुक हम देखता नहीं। हम अब छोटे सोम बाबू एजा बैठ के अखबार पढ़ता रहूं ना, तेरी दुकान पर गेल बड़े ना बेस किचन में, का बोलवे तू बोल। तो रख हम देखता नहीं, कहो आज दुकान में कहे ना गई लह। आज सिद्धेश्वर बाबू के प्रतिष्ठा दिवस हटे, सबके कपड़ा वगैरह दिया जाला, जाना देखा तू। ए जवाब बैठ के तू क्या करता रहा बता सकता रहा हमके, सब काम का काका अकेले संभाली। ए हमके इग्नोर करे के हिम्मत कैसे बेल तोर, अभी धक्का मार के घर से बाहर निकाल दे, क्यों के परवाह ना कर। अब हम अरे हम तो फालतू कर्मचारी है, आप तो बोले रहली ना अचानक से, आज हमार जरूरत कैसे पड़ गई आपके। काले तो आप कहले रहली हमारे दुकान पर आवे के कोनो जरूरत नहीं थी, हम तय कहले हई हम चाहे अपना